क्वेश्चन नंबर 13, यदि x प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू जीरो बेटे, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू जीरो हो तो दिखाइए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 3xyz, यही पूछ रहा ना? यस सर, यस। तो देखिए, एक सर्वसमिका थी हमारे पास, सर्वसमिका नंबर 8, क्या थी वो सर्वसमिका नंबर 8, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy और yz और zx। माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, ये अपने पास सरसमिका है ना, ये है सरसमिका 8। अब देखिए, yes, इसमें दिया गया है, क्या दिया गया हमें कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू जीरो, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू जीरो, यानी इसका मान क्या दे रखा है, जीरो दे रखा है ना इसका मान। हेलो, यस सर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का प्रश्न में दे रखा है इसका मान जीरो है, तो रखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू, इसका मान तो क्या हो गया, जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब देखिए, जीरो को इससे गुणा करेंगे तो ये पूरा पक्ष क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो जाएगा कि नहीं इधर वाला, तो क्या हो गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू जीरो, इधर वाला पूरा पक्ष क्या हो गया, जीरो। अब जीरो हो गया तो इस ये माइनस में इसको पक्षांतर करके उधर ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते हैं, यस सर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz, इति सिद्धम्। ये लो, ये तो सिद्ध करना आपने को, ये सिद्ध कर दिया, ऐसा कर उतार लो इसको। क्वेश्चन नंबर 14, वो कह रहा कि वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात करो, माइनस 12q प्लस 7q प्लस 5q, ये दे रखा है, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब ऐसे दे रखा है, तो एक्स वाई एक्स की जगह तो यहाँ माइनस 12 हो गए। अब यहाँ देखिए, एक्स इक्वल टू माइनस 12, वाई इक्वल्स टू 7 और जेड इक्वल्स टू 5। तो सबसे पहले तो अपने क्या करना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान निकालना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर माइनस 12 प्लस 7 प्लस 5, माइनस के 12 और प्लस के भी कितने, 7 और 5 12 हो गए ना, माइनस 12 प्लस 12 कितना हो गया, जीरो आंसर आया। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना हो गया, जीरो। अब चूंकि
एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो हो तो क्या होता है, अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था हमने कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर थ्री एक्स वाई जेड होता है, क्या होता है थ्री एक्स वाई जेड। अब यहां मान रख दो तो एक्स की जगह क्या था बारह माइनस बारह, वाई की जगह क्या था सेवन और जेड की जगह क्या था फाइव, तो यहां रख दो थ्री इंटू एक्स की जगह कितना आ जाएगा माइनस ट्वेल्व इंटू सेवन इंटू फाइव कितना सात मुझे पैंतीस, बारह से छत्तीस, छत्तीस माइनस के और इंटू पैंतीस पांच का तीस हासिल की तीन पांच थी पंद्रह तीन अठारह छत्ती अठारह हासिल की एक तीन तीन और एक दस सोलह माइनस के बारह सौ साठ, यह आंसर आ गया माइनस बारह साठ आंसर आ गया। इस प्रकार इसको करते इसका दूसरा प्रश्न अट्ठाईस का क्यूब प्लस माइनस फिफ्टीन का क्यूब प्लस माइनस थर्टीन का क्यूब ये, तो इसमें भी क्या करेंगे एक्स बराबर ट्वेंटी एट वाई बराबर माइनस फिफ्टीन और जेड बराबर माइनस थर्टीन, वही योग एक्स प्लस वाई प्लस जेड अट्ठाईस माइनस पंद्रह माइनस तेरह अट्ठाईस और ये माइनस के भी अट्ठाईस, पंद्रह और तेरह कितने हो गए अट्ठाईस हो गए, तो माइनस के अट्ठाईस हो गए जीरो, क्या हो गया इसमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो, अतः एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर थ्री एक्स वाई जेड होगा जेड, ठीक है। अब मान रख दो थ्री इंटू अट्ठाईस माइनस पंद्रह और माइनस के तेरह मल्टीप्लाई करो, अट्ठाईस को तीन से गुणा करो पहले तो आठ या चौबीस हासिल के दो छह और दो आठ आठ या चौबीस हो गया हासिल के दो की तीन दिन छह और दो आठ हो गए चौरासी इंटू ये माइनस का कितना पंद्रह से पैतालीस हासिल के चार पंद्रह पंद्रह चार माइनस का एक सौ पचानवे हो गया। अब मल्टीप्लाई करो चौरासी चार पंजे बीस हासिल की दो चार नाम छत्तीस और दो अड़तीस हासिल की तीन चार एक चार तीन सात आठ पंजे चालीस हासिल की चार आठ नाम बहत्तर और चार छिहत्तर हासिल की सात आठ एक आठ और सात पंद्रह जीरो आठ तेरह सोलह माइनस छब्बीस हजार तीन सौ अस्सी आंसर आ गया, यह आंसर आ गया उतारो। फिफ्टीन क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए आयतों जिनके उनके क्षेत्रफल दिए गए आयत का क्षेत्रफल दिया गया है लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए, क्षेत्रफल दे रखा है इसमें 25 ए स्क्वायर माइनस 35 ए और प्लस 12 ये दे रखा है। अब वो कह रहा है कि साहब इसके लिए ये एक आयत का क्षेत्रफल है, तुम्हें पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई 25 ए स्क्वायर माइनस ये तो दे रखा है 35 ए और प्लस बार है और वैसे क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई बार ये आ गया, तो लंबाई इंटू चौड़ाई हो गया ना, तो क्या लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल, तो इसको हम क्या करेंगे इस क्षेत्रफल को हमें गुणनखंड करने इस क्षेत्रफल के क्या करना है अपने को ये बहुपद दे रखा है तो बहुपद के इसको क्या करेंगे हम गुणनखंड करेंगे,
गुणनखंड में क्या होगा, दो गुणनखंड प्राप्त होंगे क्योंकि द्विघात बहुपद है ना, तो दो गुणनखंड होंगे, तो पहला गुणनखंड उसका लंबाई हो जाएगा और दूसरा गुणनखंड उसकी चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए 25a² - 35a + 12 गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, अचर राशि को इससे गुणा करेंगे, ए स्क्वायर के गुणांक से, करते हैं नहीं करते हैं, तो 12 को 25 से गुणा करो, 12 × 5 = 60 हासिल की 6 × 12 = 24 और 6 = 30 300 हो गया, 300 है प्लस, अब उसको मल्टीप्लाई करो, 300 के गुणनखंड करो कितने आने चाहिए, 35 आने चाहिए माइनस, तो कितना हो गया बताओ, देखे 15 और 10 प्रोपोर्शन करो, और 15 × 20 15 × 20 भी होता है क्यों, और कौन सा होता है इसका गुणनखंड, और देखो इसके कौन कौन से गुणनखंड होते हैं, सरोण नहीं होते, अरे होते हैं तभी तो होंगे, नहीं तो कैसे फिर ये कैसे आएगा 35 कैसे आएगा, गुणनखंड दिमाग लगाओ फटाफट से सोचो, 12, 25, 300 गुणनखंड हो गए, 300 किस किस संख्याओं को गुणा करने पर 300 आ रहे हैं ये देख लो फटाफट, अरे 15 और 20 होते हैं ना, 20 × 15 सर, अरे 15 और 20 को जोड़ेंगे तो 35 हो गया ना, यस सर, दिमाग नहीं लगाया तुम लोगों ने, देखा ही नहीं अपने, 15 × 20 और 15 और 20 कितना होता है 35, अरे 15 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना आता है 35 ही तो चाहिए अपने को, हाँ सर, तो दोनों माइनस के कर दो, माइनस के 15 और माइनस के 20 दोनों को गुणा करेंगे तो प्लस के 300 आ जाएंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस के 35, सोच रहे अपन गुणनखंड पहले ही लिख दिया दिमाग नहीं लगा जोड़ा ही नहीं इनको अपन, 25a² - 20a - 15a + 12 दोनों में से क्या को बना रहा है, 25 में 20 में किसका भाग जाता है, एक तो 5 का ए स्क्वायर ए, तो ए को बना गया 5, ए को बना गया 5 का भाग दो 25 में कितना 5, ए का भाग देंगे ए स्क्वायर में तो ए, माइनस 5 का भाग 20 में 4, ए से ए कैंसिल हो गया तो 5a - 4 हो गया, यहां से क्या कॉमन आ गया, एक तो माइनस कॉमन आ गया, 15 और 12 में किसका भाग जा रहा है 3 का, तो 3 कॉमन आ गया, 3 का भाग दो 5 में 15 में 5, ए से कैसे आ गया, माइनस का भाग प्लस में तो माइनस, 3 का भाग 12 में 4 आ गया, ब्रैकेट में समान राशि आ गई क्या, आ गई, यस सर, यस सर, तो 5a - 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या हो गया 5a - 3 दो गुणनखंड हो गए, एक नहीं हो गए, यस सर, दोनों को गुणा करेंगे तो अपने पास यही प्राप्त होगा हमें, इसका मतलब लंबाई तो क्या हो गई, अतः लंबाई का व्यंजक, तो क्या हुआ 5a - 4 और चौड़ाई का व्यंजक क्या हो गया 5a -
तीन आंसर आए, ऐसे कर दो। दूसरा देखो इसका, 35y² प्लस 13y और -12, इसको वही गुणा करेंगे अपन। पहले 12 को 35 से गुणा करो, 12 × 5 = 60, 8 × 6 = 6, 12 × 3 = 36, 36 + 6 कितने हो गया 42, माइनस के 420 आ गया क्योंकि तो -12 को 35 से गुणा किया। अब -420 के गुणनखंड करना अपने को कि जोड़ने या घटाने पर 13 आने चाहिए प्लस के, तो करो किसको गुणा करने पर 420 आ रहा है, फटाफट करो। बोलो भाई, एक तो 42 × 10 -42 वही 420 हो गया, जोड़ेंगे तो 32 आ रहा है, 13 आना चाहिए। और कितना हो गया, गुणनखंड करके देख लो। दो दो ना 4 × 4 = 12 × 7 = 35, 12 × 35 हो गया ना, और इसमें से 12 घटाएंगे तो कितना बच गया, 23 बचता है। तो यहाँ कितना दे रखा है, 13y दे रखा है, 23 बच रहा है। और कोई गुणनखंड भी हो रहा है क्या इसका, पंद्रह × 120 हासिल की 12 और 15 × 30 और 12 42, 420 हो गया, ये हो गया। तो प्लस के 28 और माइनस के 15, तो 28 में से 15 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 13 बचेंगे, नहीं बचेंगे 13 बचेंगे ना, तो ये गुणनखंड हो गया इसका, 28 और 15 हो गया। तो इधर लिखो 35y² प्लस के 28y और माइनस के कितना 15y − 12, अब हो जाए। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 7 आ रहा है क्या, 7 का भाग 35 में जा रहा है और 28 में जा रहा है, नहीं जा रहा, यस सर, हो गया 7 वाई कॉमन आ गया, 7 का भाग 35 में 5, y का y² y
प्लस सात चौक अट्ठाईस, पांच वाई प्लस चार माइनस कितना कॉमन आ गया, पंद्रह और बारह में किसका भाग जा रहा है, तीन थ्री का, तीन का भाग पंद्रह में पांच, ये वाई ऐसे कैसे, माइनस का माइनस में भाग देंगे तो प्लस, तीन का भाग बारह में चार भाग, समान राशि आ रही है क्या, तो पांच वाई प्लस चार और सात वाई माइनस तीन हो गए, अतः लंबाई तो क्या हो गई, पांच वाई प्लस चार और चौड़ाई सात वाई माइनस तीन आ गया, इसको उतार दो,